हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो ALP CBT 1 का टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो आ चुका है, तो एग्ज़ाम डेट जो दिया हुआ है, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 25/11/2026 से लेके 29/11/2026, मतलब 5 दिन का एग्ज़ाम होगा और 3-3 शिफ्ट में। तो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी 3 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ तो 15 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के हिसाब से कटा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो मैं जो नोट्स दिया था फुल कंप्लीट था, उसमें एक चीज़ मिसिंग था, वो था करंट अफेयर्स। तो मैं बोला था कि जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो करंट अफेयर्स मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, करंट अफेयर्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक टॉपिक है जिसमें जितना भी पढ़ो उतना कम रहता है, ठीक है। फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है। उम्मीद करते हैं जो नोट्स दिया था सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके होंगे, और जो नोट्स मैं दिया हूँ वो नोट्स काफ़ी है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो नोटिस आया है एग्ज़ाम डेट का, ये नोटिस दिया है 7/10/2024, ठीक है, 7/10/2024 में ये नोटिस आया है। उसका मतलब इसके बाद जो है करंट अफेयर्स नहीं आने वाला है, मतलब अक्टूबर का करंट अफेयर्स नहीं आने वाला है, सितंबर तक आने वाला है करंट अफेयर्स, ठीक है। और हम लोग 2024 का जनवरी से लेके देखेंगे, 2024 का जनवरी से लेके सितंबर 2024 तक ये जो टाइम हो रहा है, इस टाइम का जितना करंट अफेयर्स होगा 9 महीने का, उतना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस तो बहुत वास्ट है, जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जो मोन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ाई कर लेना है। तो मैं जहाँ से पढ़ा था करंट अफेयर्स, मैं जब एग्ज़ाम दिया था freezeofalert.com से दिया था, लेकिन वो अभी उसमें करंट अफेयर्स अभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं और एक वेबसाइट बोलता हूँ, तो उसमें देखिएगा मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखिए, किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट का या किसी चैनल का, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो कम्प्लीटली आपको मिलेगा, इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। तो मैं जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ देखिए, वो है अड्डा टाइम्स, ठीक है, अड्डा 24/7 बोल के करंट अफेयर्स आया है। तो मैं इसका मंथली वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में और पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें ऐसा पढ़ना है जो देखिए, मंथली करंट अफेयर्स बोल के यहाँ पे दिया है सेप्टेम्बर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, ठीक है, जनवरी से लेके यहाँ पे दिया हुआ रेड कलर का जो है इसमें दिया है। तो एक महीने का मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे PDF खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटेंट बोल के दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है, तो वो आपको मिलेगा। बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है ओनली देखिए, फर्स्ट वाला टॉपिक जो दिया हुआ है, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सितंबर 2024, ठीक है, ये 3 नंबर पेज में है और 15 नंबर पेज तक है। तो इसको ओनली पढ़ना है, पढ़ना है मतलब आपको बस एक बार रीडिंग कर लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ, प्रिंट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार रीडिंग दे दीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार रीडिंग दे दीजिएगा तो स्टोरी के हिसाब से आप याद रखिएगा, ठीक है, स्टोरी के हिसाब से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंग्लिश में नाम होगा, बहुत सारा टफ नाम होगा, या तो टफ बुक का नाम हो सकता है, कोई भी टफ नाम इंग्लिश नाम हो सकता है, तो वो तो याद नहीं रहेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा ऑप्शन देख के आप चूज कर पाओ, ऐसा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी एज पर स्टोरी के हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, बस एक बार रीडिंग दे देना है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा सा दिया हुआ है, नेशनल टीचर्स अवार्ड, तो जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट है वो दिया हुआ है, बस जो टॉपिक मैं बताया था उसको देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेप्टेम्बर 2024, ऐसा करके आपको 9 महीने का करंट अफेयर डाउनलोड करना है और एक दिन में 3-4 मतलब करंट अफेयर्स ख़त्म करना है, ठीक है, बस एक बार रीडिंग दे देना है। आपको इतना याद रखने का या रटने का भी ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग दे देना है। उसमें जिसका नसीब अच्छा होगा वो उसका आ जाएगा, जिसका नसीब खराब होगा वो तो कितना भी पढ़ लीजिएगा आपका करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। जो मैं प्रिपरेशन का वीडियो बना था उसमें बता दिया था कि करंट अफेयर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अगर इसमें मार्क्स मिल रहा है तो अच्छी बात है, ये आपको मान लीजिए कि बोनस की जैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं
9 महीने का करंट अफेयर्स जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो पहले से करंट अफेयर्स पढ़ाई कर रहे हो डेली के हिसाब से या कोई यूट्यूब चैनल देख के पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई करो, लेकिन मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी टाइम को दूसरा टॉपिक में डालिए तो उसमें आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था। तो जो लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग मेरे पास नोट्स लिया है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरे पास जो नोट्स लिया है मैं उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप लोगों को CBT 1 कैसे भी करके पास करना है। और CBT 1 में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मौका भी बहुत ज़्यादा है, मौका मत गवाइएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।